गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। क्लास जो है इट का जो है मैं जो फर्स्ट चैप्टर वन के वन चैप्टर जो आपका रेशनल नंबर है उसके आप एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। आपने पहले की क्लास में मैं आपको एक से लेकर तीन तक के प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए बताया था कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। अब आप आगे के प्रश्नों को जो है अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 को आप पढ़ते हैं तो क्या होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर फर्स्ट माइनस 12/13, सेकेंड नंबर -14/49, थर्ड नंबर 12/-26। बच्चों यहाँ आप देखिए क्या है, नंबर्स क्या है। फर्स्ट नंबर आप देखें -12/30 है। टेक द एसी ऑफ द 12 एंड 30, 12 और 30 के एसी ऑफ लिखें। इसमें 30 हमारे जो है इस ग्रेटर नंबर है और 12 छोटा है, इसलिए हम क्या करें 30 को 12 से डिवाइड करेंगे। यानी इस प्रकार हम करेंगे 12 2 24, यानी 30 में से 26 और 6 जो हमारे बचेंगे फिर ये 12 को जो है 6 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो क्या 12 2 6, तो हमारे एसी ऑफ क्या आते हैं 6 आते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, नंबर लिखना हो -12/30, ये दोनों नंबर को हम ए सी एफ से जो है डिवाइड कर देंगे। यानी ए सी एफ हमारे कितना 6 है, तो 12 को हम 6 से डिवाइड किए, 30 को 6 से डिवाइड। उसके बाद जो नंबर जो प्राप्त होते हैं -2/5 प्राप्त हैं, जो नंबर हमारा प्राप्त हुए 2/5, सो डैट -2/5 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो ये नंबर का है -12/30 का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है -2/5। इसी प्रकार बच्चों आप जो है सेकेंड नंबर करेंगे, यहाँ क्या होता है दोनों का अगर एस सी एफ निकालेंगे तो हमारा 7 जो है एस सी एफ निकालेंगे होंगे। अगर यहाँ दोनों को हम करेंगे तो हमारा एस सी एफ कितना होगा 2 एस सी एफ होगा। उस पर डिवाइड करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो है बच्चे ये जो प्रॉब्लम है 4 के टेस्ट जो प्रॉब्लम है आप उसको खुद करने का प्रयास करेंगे। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जो है हम लोग जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या मुझे करना है। पहले क्या होता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ दो जोड़ा जो एक जोड़ा जो है नंबर दिया गया है 3/8 और 0, दो रेशनल नंबर दिया गया। आपको यह बताना है कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बच्चों यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में 3/8 और 0/1, पहला नंबर जो है 3/8 रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जाने। और इसको आप देखिए क्या है, 3/8 जो है इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सो दैट पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जितने भी होंगे वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होंगे। सो दैट 3/8 इज ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का, -2/9 और 0। यहाँ हम क्या देखेंगे, -2/9 है और 0 है। यहाँ बच्चों आप देखेंगे क्या देखेंगे, -2/9 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। -2/9 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। सो डेट आप जानते हैं कोई भी रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। सो डैट इसलिए हमारा क्या होता है, -2/9 इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी हमेशा जो है लेस देन 0 होगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में देखेंगे। इस सवाल के जो है क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन 5 का जो है सवाल नंबर 4 को आप देखेंगे कि कैसे हमको यहाँ करना है। यानी -5/7 और -4/7। हेयर यहाँ आप देखें, हेयर डिनोमिनेटर इज सेम। यहाँ आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर बोथ रेशनल नंबर का जो है डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है सेम। हेयर डिनोमिनेटर इज सेम, यहाँ आप देखें सेम 7/7 हमारा जो क्या है सेम है। सो दैट वी कैन सी -5, न्यूमिनेटर हमारा क्या है -5 एंड -4 को। अब देखें अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होगा तब हम न्यूमिनेटर को देखते हैं। न्यूमिनेटर यहाँ क्या होता है, क्या है हमारा दिया गया है -5 एंड -5 को। सो
दैट इसलिए हम लोग वी कैन सी माइनस फाइव एंड माइनस फोर का हेयर माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव यानी माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव देर फोर माइनस फाइव बाई फोर इज लेस देन माइनस फोर बाई सेवन यानी हमारा ग्रेटर नंबर हमारा कौन होंगे फोर बाई सेवन जो है हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ हमारा क्या होता है कौन गेयर है तो ग्रेटर यहाँ हमारा कौन हो गया अगर आंसर आप लिखेंगे तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या हो गया माइनस फोर बाई सेवन है। यहाँ आपका ग्रेटर क्या हो गया यहाँ जीरो होते हैं यहाँ क्या ग्रेटर थ्री बाई फर्स्ट सवाल में थ्री बाई एट थे यहाँ दूसरे में क्या माइनस यहाँ क्या जीरो ग्रेटर नंबर थे तीसरे में हमारे क्या माइनस फोर बाई सेवन जो है हमारा ग्रेटर नंबर है। हाँ बच्चों अब जो है आपने जो है प्रॉब्लम देखा मैं आपको फिर क्वेश्चन नंबर फाइव का फाइव नंबर में प्रॉब्लम के बारे में मैं बता रहा हूँ। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में जो है फाइव में विभिन्न तरह के सवाल हैं जो अलग अलग ढंगों से अलग अलग प्रकार के हैं जो मैं एक एक करके जो है बता रहा हूँ ताकि आपको जो है आने वाली जो है प्रॉब्लम में जो है समस्या नहीं आपको जो प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए मैं जो एक एक प्रॉब्लम को जो है डिटेल जो अलग लग रहा है विस्तृत करके उस समय आपको बता रहा हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का फाइव नंबर प्रॉब्लम आप देखेंगे टू बाई थ्री एंड थ्री बाई फोर यहाँ आप क्या देख रहे हैं टू बाई थ्री एंड थ्री बाई फोर टेक अब यहाँ देखिए क्या हमारा दोनों अलग अलग हैं थ्री एंड फोर यहाँ टेक एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर हमको क्या करना होगा जो डिनोमिनेटर है थ्री और फोर उसका एलसीएम लेना होगा एलसीएम हमारे क्या आ जाएंगे थ्री इंटू फोर हो जाएगा इक्वल टू ट्वेल्व टू बाई अब यहाँ हमारे एलसीएम जब ट्वेल्व होगा तो हर दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को जो है हम इक्वल करेंगे तो यानी टू बाई थ्री है एक रेशनल इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमको डिनोमिनेटर थ्री को जो है फोर से मल्टीप्लाई करना या फोर सेम फोर हमको जो है न्यूमिनेटर टू में भी मल्टीप्लाई करना होगा अगर ये दोनों को काटेंगे तो हमारे ये रेशनल नंबर में कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो हम इसके बाद क्या करते हैं अगर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं एट बाई ट्वेल्व होगा और थ्री बाई फोर यहाँ है थ्री बाई फोर अगर यहाँ हमको डोमिनेटर फोर को अगर ट्वेल्व को इक्वल करेंगे तो फोर को हमको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसलिए थ्री और थ्री जो जो नीचे करते हैं उसी डिजिट से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो रेशनल नंबर प्राप्त होते हैं नाइन बाई ट्वेल्व होते हैं। अब जब हम यहाँ डिनोमिनेटर जब दोनों का रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो है बराबर होते हैं तो हमको इस प्रकार के दो रेशनल नंबर मिलते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि हेयर डिनोमिनेटर इज सेम वी सी द न्यूमिनेटर अब यहाँ न्यूमिनेटर को देखते हैं एट एंड नाइन एट एंड नाइन तो यहाँ एट और नाइन को जब न्यूमिनेटर को हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है एट इज लेस देन नाइन यानी देर फोर क्या हमको अब रेशनल नंबर होगा एट बाई ट्वेल्व इज लेस देन नाइन बाई ट्वेल्व यानी टू बाई थ्री ये जो है लेस देन थ्री बाई फोर यानी हमारा ग्रेटर नंबर यहाँ हमारा क्या हो गया अब आपका ग्रेटर नंबर यहाँ हमारा होता है ग्रेटर नंबर हमारा थ्री बाई फोर हो जाता है। तो हाँ बच्चों मैं जो है आपका पांच तक के एक एक प्रॉब्लमों को जो बारे में बताया उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छे से तरह से समझ लिए होंगे और जो किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम जो है मीन्स आगे के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगा जो इन सवालों के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे आप जो है होमवर्क के रूप में बनाएंगे और नेक्स्ट कक्षा में फिर आगे के मैं सवालों को जो है फिर जो है विशेष कर विस्तार से मैं फिर से एक एक सवाल को जो रहेंगे उनको जो है बताऊँगा। थैंक्स यू।